साबिक चेयरमैन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड मलून वसीम रिजवी की जानिब से माजल्ला कुरान करीम की 26 आयतों को हजफ करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दी गई दरख्वास्त पर रद्द अमल जाहिर करते हुए हैदराबाद के मुख्तलिफ मसालिक से वाबस्ता उलमा और मशायखीन पर मुश्तमिल वक्फ ने वसीम रिजवी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात की और इस बात की दरख्वास्त की कि वह मुल्क की सालमियत इतिहाद और एकजहती को मुतासर करने वाले और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने के मुर्तकिब वसीम रिजवी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाए, जिस पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि वो इस जिमन में फौरी तौर पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वक्त में अमीर जामिया निजामिया मौलाना अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना सैयद अल मुस्तफा कादरी अल मूसवी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहदी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना मुमशाद पाशा, मौलाना जहीरुद्दीन अली सूफी, मौलाना मुमशाद पाशा, मौलाना मुफ्ती गयाज रहमानी, मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी रुकने असेंबली और दीगर शामिल थे।